प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। अब इस लॉकडाउन को एक महीना पूरा हो गया है। लॉकडाउन के चलते कोरोना संकट की रफ्तार में काफ़ी हद तक कमी भी देखी जा सकती है। 24 मार्च को भारत में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 500 थी, अब ये संख्या बढ़कर 24,000 के पास पहुँच गई है। लेकिन अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो सकती थी। 24 मार्च को देश में हर दिन औसतन 21.6% की रफ्तार से कोरोना मरीज बढ़ रहे थे, अब 8.1% की रफ्तार से ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन 2 के बाद कोरोना के केस के दुगना होने में लगने वाला समय और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यदि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच आंकड़े को देखें तो कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 10 दिन का समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लॉकडाउन की वजह से पैसे की ज़रूरत होने पर लोग बैंक और डाकघर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे लोगों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से एक अच्छी शुरुआत की है। इसके तहत आपका खाता किसी भी बैंक में होने पर डाकिया एक फ़ोन पर आपके खाते से पैसा निकाल कर आपके घर तक पहुंचाएगा। इसके लिए किसी भी बैंक का खाता होना चाहिए, संबंधित खाते का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। एक खाते से एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा डाक विभाग ने कोरोना वायरस के दौरान जरूरी दवाइयां और अन्य मेडिकल से जुड़ी वस्तुओं की बैंकिंग भी शुरू की है। देश के विभिन्न शहरों में डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ सामाजिक दूरी बनाकर खाना बांटने का काम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष सभी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम ना हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में 66 नेपाली जमाती भी शामिल थे, जो बिना पासपोर्ट के देश की सीमा में दाखिल हुए थे। इनमें से 49 के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन की FIR दर्ज हो चुकी है।